शिवला नमस्कार कुछ झंझट की शब्द के कार्यक्रम है। इसमें गांव शहर कहीं भी रहो, अपने जो रिश्तेदार हैं, दोनों पक्ष के रिश्तेदार हैं, मृत्यु के पश्चात पुरुष और महिला के रिश्तेदार यह हैं, उपस्थित होते हैं जब शादी हुई थी तब क्या क्या लाया है और क्या क्या घर में है, कुछ औरत कि मेरे दामाद ने जो भी लाए हैं जो भी हैं आपके समूह में रखे हैं और कुछ हमारे मन से अगर मैं भूल गए होंगे वो चीज़ें औरत की पक्ष से ले जा सकते हैं ऐसा वो कह रहे हैं। और सरपंच जो हैं वो सुन रहे हैं, गांव के लोग भी सुन रहे हैं कि हमारे ओर से कोई भी छुपा हुआ चीज़ें नहीं है, वो लिखी जा सकते हैं और उनको ही कहते हैं आप को सीता। और अभी जो वो थाल देख रहे हैं वो मेरे दामाद ने लाया है और दाव जो हम लोगों को कहते हैं वो भी लाए हैं और कुछ लकड़ियाँ हैं वो भी लाए हैं, वो चीज़ें ले सकते हैं। और वो महिला के पक्ष से महिला के पक्ष और या भी जो खड़े हैं पीछे वो पुरुष के पक्ष से हैं, वो कहते हैं जो भी सामान है वो इधर ही रहने दो, हम लेके नहीं जाएंगे, हमारे बच्चे हैं, हमारे पोते हैं, उनके बच्चे वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह की कहीं कर ये रखिए और ये गांव के लोग सारे समाज समार पूर्वजों से ये रीति रिवाज पालन किया जाता है। ऊपर से नहीं जा सकते हैं और अंदर से भी नहीं जा सकते हैं, वो जो दरवाज़ा है वो दरवाज़ा दिया गया वहाँ से ही जा सकते हैं, वहाँ से ही सामान जवान लोग भी अंदर नहीं जा सकते हैं, सिर्फ जो शादीशुदा हैं वो लोग ही अंदर अनुमति दिया जाता है। इस तरह के कार्यक्रम हमारे सरपंच ने पूर्ण किए हैं और इतना कहकर आज कम से कम